सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिया बड़ा झटका। खाली करना होगा सरकारी बंगला। कोर्ट ने कहा, जनता के पैसों से नहीं ले सकते सुविधा। महाभियोग पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस। राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा और अमी याग्निक ने दायर की याचिका। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का रोड शो आज। जनता के सामने पीएम मोदी की नाकामियां गिनाएंगे राहुल। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। 4 साल से यूपीए की उपलब्धियों को ही भुना रही है मोदी सरकार। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने अखबारों में विज्ञापन के जरिए मोदी को खुली बहस की दी चुनौती। पीएम से बहस की तारीख और जगह खुद चुनने को कहा। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम ने की मन की बात। कहा, राजनीति में हिंसा की जगह नहीं, विपक्ष की तरह मत बनो। कर्नाटक चुनाव के लिए जेडीएस ने जारी किया घोषणा पत्र। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह कर्नाटक में भी विश्वविद्यालय बनाने का किया वादा। नमाज पढ़ने को लेकर दिए बयान से पलटे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहा, खुले में अता करने से नहीं लगाई रोक। विवादित फैसले पर नहीं बदले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के तेवर। बोले, नमाज ईदगाह और मस्जिद में पढ़े, पब्लिक प्लेस पर नहीं। 2010 के चीनी मिल घोटाला मामले में बढ़ सकती है मायावती की परेशानी। सीबीआई ने शुरू की मामले की जांच। मिलों को कम दाम में बेचने का आरोप। 2019 चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती का बड़ा ऐलान। बोली, आगामी लोकसभा चुनाव एसपी बीएसपी मिलकर लड़ेंगे। कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कल होगी मामले की सुनवाई। फिर विवादों में रुद्रपुर से बीजेपी विधायक राजकुमार ठकराल। टोल प्लाजा पर समर्थकों के साथ हंगामा करने का आरोप। एएमयू के जिन्ना विवाद पर अलीगढ़ में हिंदू जागृति मंच के शांति मोर्चे को रोका गया। 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। दिल्ली के पंजाबी बाग के पब में मर्डर। डीजे से गाना बदलवाने के दौरान हुआ झगड़ा। डीजे पर बर्थडे बॉय के भाई को पीट पीट कर मारने का आरोप। अफगानिस्तान में अगवा 6 भारतीयों को लेकर चिंतित सरकार। विदेश मंत्री ने किडनैप भारतीय इंजीनियर्स को छुड़ाने के लिए की अपील। उत्तरी नाइजीरिया में आत्मघाती हमला। हमले में 45 लोगों के मारे जाने की खबर। इससे पहले मूबी में हुए आत्मघाती बम धमाकों में गई थी 24 लोगों की जान। आईपीएल में आज होगा हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच मैच। रात 8 बजे हैदराबाद में खेला जाएगा मैच। काला हिरन मामले में हुई सलमान की जोधपुर कोर्ट में पेशी। महज 10 मिनट सुनवाई के बाद कोर्ट ने सलमान को 17 जुलाई को आने को कहा। सलमान बोले, आना नामुमकिन। कोर्ट ने खारिज की दलील। और मराठी फिल्म में अपना जलवा दिखाएंगी माधुरी दीक्षित। फिल्म बकेट लिस्ट का ट्रेलर हुआ लॉन्च। 25 मई को रिलीज होगी फिल्म।